हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हम किसी घर का प्लान बनाते हैं तो उसमें जो हम कॉलम फिट करते हैं उस कॉलम के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। साथ साथ अगर आपके कॉलम के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, जो भी अमाउंट से मैं बताऊंगा कितना, अगर वो डिस्टेंस बढ़ता है तो उसके वजह से किस चीज में अंतर आ जाता है, किसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, किसको घटाना पड़ेगा, साथ में स्टील क्या डाल देना पड़ेगा उस कॉलम में, तो एक जनरल थंब रूल बताऊंगा। ऐसे बहुत जन में ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हम कितने पे कॉलम डालें, कितने पे नहीं डालें। तो मैं तो इसके लिए बोलूंगा, जब आप दो तल्ले से ज्यादा, मतलब G+1, अगर उससे ज्यादा अगर आप बना रहे हो तो अच्छा है एक इंजीनियर से कंसल्ट करके पूरा डिजाइन करवा के ही बनाओ, क्योंकि कॉलम कहाँ पे फिट करना है, कहाँ पे नहीं, ये पूरा पूरी डिपेंड करता है लोड के ऊपर। ठीक है, कितना लोड उसके ऊपर आ रहा है, कितना लोड नहीं आ रहा है, उस पर डिपेंड करके ही कॉलम का साइज को, कॉलम के स्टील को हम लोग डिजाइन करते हैं। बट आज मैं कोई डिजाइन क्राइटेरिया पे नहीं जाने वाला हूँ। मैं आज नॉर्मल, एक ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर है, उसके लिए एक नॉर्मल सा क्या कॉलम डालना होगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखना होगा, ज्यादा कितना नहीं होना चाहिए, मतलब उस इतना ज्यादा डिस्टेंस हो जाए तो आपको कॉलम स्पेसिंग क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम सबको इंक्रीज कर देना होगा। तो यही सारे डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जिसको देखना है वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा ताकि कुछ भी नॉलेज थोड़ा बहुत हो पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियोस डालूं तो वो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉलम कहाँ पे डालना है ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से आपके प्लानिंग के ऊपर। प्लानिंग मतलब किसके प्लानिंग के ऊपर, आपके घर के प्लानिंग के ऊपर। आप मेरे सामने ये एक स्केच देख रहे हो, ये 2D प्लान है घर का। तो इस घर में हम कॉलम कहाँ कहाँ फिट करेंगे, कहाँ नहीं करना है, ये डिपेंड करता है हमारे रूम के ओरिएंटेशन को, रूम का जो शेप है उसके ऊपर, क्योंकि हम कॉलम जहाँ तहाँ नहीं डाल सकते हैं, उसका व्यू जो है वो खराब हो जाएगा, एस्थेटिक व्यू जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कॉलम कहाँ कहाँ डालना है, और ये तभी हम लोग बना पाएंगे जब हम अपना प्लान को रेडी कर लेंगे। जब तक आपका प्लान आपके पास रेडी नहीं है बनके, तब तक आप कॉलम उसमें फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप पहले से कॉलम फिक्स कर दोगे तो वो कॉलम आपके घर में कहाँ पे जाके बैठ जाएगा आपको खुद ही नहीं पता। सपोज टॉयलेट के बीच में गिर गया, लिविंग डाइनिंग के बीच में गिर गया, रूम के बीच में गिर गया, हो सकता है। इसलिए पहले आपको अपना प्लान रेडी करवा लेना होगा, फिर प्लान बन जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉलम को पोजिशन करते हैं कि कहाँ पे डालना है और कहाँ पे नहीं। ठीक है, तो एक जनरल थंब रूल बताता हूं, जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर अगर आप बना रहे हो तो। ठीक है, अगर देखिए ये कॉलम है और ये कॉलम है, ठीक है, तो इसके अंदर अंदर का मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम देखो मिनिमम की बात यहाँ पे आती है, जहां पे तो हम कितना भी कम डाल सकते हैं। एक घर में सपोज देख लो, ये आपका एक घर है, तो अगर मेरे पास कोई पैसा का खर्चा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ कॉलम डाल सकते हैं, यहाँ कॉलम डाल दो, यहाँ कॉलम डाल दो, मिनिमम तो हम कितना भी डाल सकते हैं, लेकिन वो तो फायदा नहीं है, मैं तो खर्च हो रहा है ना आपका। जितना कॉलम डालोगे, जितना पारसीसी का काम करोगे, उतना ज्यादा खर्च होगा। तो एक स्टैंडर्ड जो बोलूंगा, मिनिमम मैं बोलना नहीं चाहूंगा, स्टैंडर्ड जो बोलूंगा वो क्या होता है, वो देखिए मिनिमम होता है आपका 8 फीट से लेके 10 फीट मिनिमम, मतलब ये स्टैंडर्ड साइज में बताया है। ठीक है, आपको इतना तो कम से कम रखना है। ठीक है, कम से कम तो आपको रखना ही है एक अच्छा लुक देने के लिए एक बेडरूम को। एक बेडरूम का मिनिमम साइज क्या होगा, 10 फीट बाई 10 फीट। तो उस घर में आप क्या करोगे, 4 कोना पे 4 कॉलम डालोगे, तो वही आ गया आपका 10 फीट मिनिमम तो आपको डालना ही है। घर थोड़ा छोटा है तो 8 फीट, ठीक है, उससे छोटा नहीं होना चाहिए एज पर माई ओपिनियन। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड मिनिमम साइज, मैं बोल दूं ये आपका हो गया स्टैंडर्ड मिनिमम साइज। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम की। तो जिस तरह से मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ ना, तो मैक्सिमम अगर आप देखोगे प्रोजेक्ट की, अगर बात करोगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट की, जैसे मैं जिस प्रोजेक्ट में काम करता हूँ उस प्रोजेक्ट में पोस्ट टेंशन वायर का काम हुआ हुआ है। पोस्ट टेंशन वायर क्या करते हैं, वो स्लैब को खींच के रखते हैं, हाँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है उसका जो टेंडन होता है, तो वो स्लैब को खींच के रखता है। तो खींच के रखने की वजह से स्लैब को क्या, वो पोस्ट टेंशन वायर खींच के रखा है, तो कॉलम का डिस्टेंस है ना वो बढ़ जाता है। वहां पे आप
मेरे प्रोजेक्ट में वहां पे मैं देखूंगा एक कॉलम है 30 मीटर के गैप पे, 30 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब बीच में कुछ नहीं है, वो दो कॉलम खड़ा है, कॉलम का साइज भी बहुत बड़ा है, 1200 बाई 1200, समझ रहे हो, 1 मीटर 200 बाई 1 मीटर 200 का कॉलम है वो। तो डिजाइन करके हम लोग कॉलम के बीच का डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, बट अगर हम लोग यहाँ पर डिजाइन नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड साइज की बात कर ले तो स्टैंडर्ड मैक्सिमम साइज की अगर हम बात करें तो वो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं 12 फीट से लेके 16 फीट तक, ठीक है, इससे ज्यादा आप नहीं आना चाहिए अगर आप एक नॉर्मल घर बना रहे हो तो, ठीक है। कि और एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैं लिख दूं यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड मैक्सिमम साइज, ठीक है, इससे ज्यादा मत जाना। एक देखिए, अगर आप कॉलम के बीच का डिस्टेंस बना रहे हो ना, तो आप ये मत समझना कि मेरा कॉलम का खर्चा बढ़ जा रहा है, कॉलम के बीच का डिस्टेंस आप बना रहे हो तो आपको वो खर्च, वो पैसा आपको डाल देना होगा बीम के अंदर में, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन कॉलम, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ बीम होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये बीम, इसका मतलब क्या हुआ, ये साइन का मतलब क्या है, अगर हम डिस्टेंस कॉलम के बीच का डिस्टेंस अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमें डेप्थ ऑफ बीम भी बढ़ाना पड़ेगा, समझ के, हम लोग अपनी मन से हम चाहेंगे इस केस में जो बीम का साइज देंगे वही इसमें भी डाल देंगे तो नहीं होता है। कॉलम के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब उसका बीम का जो डेप्थ है उस बीच, उस स्पैन में जो हम बीम डालने वाले हैं ऊपर में, उसका डेप्थ भी बढ़ जाएगा, समझ गए, इसीलिए इससे ज्यादा आप मत बढ़ाइएगा, 12 से 16 फीट ही मैक्सिमम रखिएगा, ठीक है। और ऐसे ही डिपेंड करता है आपके प्लान के ऊपर, आप लोग कैसे ओरिएंट करते हो कैसे नहीं, ठीक है। तो आप कुछ जान लेते हैं हम लोग, अगर आप जब 8 फीट बाई 10 फीट अगर गैप मेंटेन कर रहे हो दो कॉलम के बीच में, ये C1 ये C2 मान लेता हूँ, तो इस केस में आप जो कॉलम का साइज है वो 9 इंची बाई 9 इंची आप रख सकते हो, ठीक है, 9 इंची बाई 9 इंची एक स्टैंडर्ड कॉलम का साइज है जो आप रख सकते हो इस केस में, जब आपके कॉलम के बीच का डिस्टेंस 8 फीट बाई 10 फीट है तो, ठीक है। और जब बात आती है स्टैंडर्ड मैक्सिमम साइज वाले में, मतलब 12 फीट से 16 फीट जब आपके कॉलम के बीच का डिस्टेंस हो चुका है, तो इस केस में आपको कॉलम का जो साइज डालना है वो आपका हो जाएगा 10 इंची बाई 10 इंची, ठीक है। या आप ये भी रख सकते हो, एक और ये है 9 इंची बाई 12 इंची, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा, अगर 16 फीट अगर ये आप रख रहे हो 16 फीट, तो बहुत केस में ऐसा भी देखा हूं कि अगर आपके स्लैब के ऊपर डेड लोड ज्यादा हो जाता है, डेड लोड ज्यादा हो जाता है 9, तो आप ये भी रख सकते हो 12 इंची बाई 12 इंची, बट 12 इंची बाई 12 इंची बहुत कोई नहीं अपनाते हैं, क्योंकि ये आपके घर के अंदर में एक अनइवन कोपला खड़ा कर देता है, एक अनइवन ऑफसेट खड़ा कर देगा, मैं बोलने का क्या मतलब देख रहा हूँ, तो देखो ये बेडरूम है, आप जो घर का पार्टीशन वॉल करोगे, अगर आउटर है तो 8 इंची का करोगे, अंदर का है तो 5 इंची या 4 इंची का करोगे, तो 1 फीट का अगर ये डालोगे तो, अगर देखो ये बहुत बड़ा एक यहाँ पे ऑफसेट रेडी कर देता है, जो हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये 10 इंची बाई 10 इंची या 9 इंची बाई 12 इंची में जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी साइज की बात, अब हम बात करते हैं स्टील की। अगर आपका जो कंडीशन है 8 से 10 फीट के अंदर वाले में है और कॉलम 9 इंची बाई 9 इंची का है, तो इसमें आप आसानी से आप क्या कर सकते हो, 4T12, 12 का 4 सरिया आराम से आप डाल दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ये बार बार बता रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ G+1 के लिए बता रहा हूँ, ग्राउंड पे आपका पूरा घर बना हुआ है और उसके ऊपर एक और छत बना हुआ है, घर बना हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर में एक छोटा सा एक छत है, ठीक है, उस पर आप लेकिन घर नहीं बना रहे हो, समझ गए। देखो ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, और ऊपर में पैरापेट वॉल डाल के आपका जस्ट छत है बस, और कुछ नहीं, आप इस पे रहते हो और इस पे रहते हो, उस केस के लिए ये सब सही है आपका। तो 4 12 का सरिया डाल देना इस कंडीशन में, बट अब जब इस वाले कंडीशन में जाते हो तो सेफ साइड में रहने के लिए आपको 6 बार डालना होगा, मतलब 4T12 का 12 का सरिया 4, सॉरी मैं यहाँ पे गलत बता दिया, 6 डालना होगा, ठीक है, 12 का 6 सरिया आप डाल देना सेफ साइड में रहने के लिए, ठीक है। तो ये ज्यादा खर्च ऐसा है नहीं कुछ खास, तो ये एक स्टैंडर्ड रूल था जो हम अपना सकते हैं, थंब रूल जिसको बोल सकते हो, अगर हम छोटा एक घर बनाते हैं तो। तो अगर आपका कोई ओपिनियन है, मैं आपको कुछ गलत बताया हूँ, तो आप लोग जरूर मुझसे डिस्कस कीजिएगा कमेंट में। मैं हर बार बताता हूँ कि यहाँ पे मैं टू वे इंटरेक्शन करता हूँ, मैं जो जानता हूँ आपको बताता हूँ, आपको अगर कुछ पता है, कुछ सही पता है, तो आप मुझे कमेंट में करके मुझे बताइए, ताकि मैं आपसे जान पाऊँ सीख पाऊँ, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेके आने वाला हूँ, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।